हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई, जैसे कि आपको पता ही है कि अपना ना यूट्यूब के अलावा वीडियो वगैरह कभी है और सब लोग बुलाते रहते हैं, तो आज कहीं दो तीन जगह पे, एक तो डेंटल वालों ने बुलाया था पर वहाँ के वीडियो नहीं ले पाए, चार पांच लोगों ने बुला लिया और टाइम हो चुका है 8, तो अब एक बार आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चल रहा है भाई, ये देख लो, कार्निवल कुर्निवल चल रहा है, सारे घर वाले कभी खाली, जिसे कहते हैं ना खाली, यूँ नहीं रोटी बनाने, दादी को घर आए होंगे अपने घर में बंद, अब यहाँ पे सारे अब क्रिसमस बना रहे हैं, यूँ नहीं फिर बोलते हैं। सही बात है। अब ये मत सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इन्होंने इनवाइट किया इनकी वीडियो स्टोरी डालने के लिए। ये सस्ता शाहरुख खान नहीं लग रहा, शाहरुख खान भी नहीं लग रहा भाई। लस्सी भी आ रखे है तो ये देखो भाई, अब हमें बुलाया है टुलिप गार्डन वालों ने, इनकी वैसे तो इन्हें स्टोरी डलवानी थी पर अभी शायद से कह रहे कि लेट हो गए, बट मैं आपको दिखाऊं कार्निवल भाई। पहले ना मतलब इतने नहीं होते, स्कूल वगैरह में सिर्फ वो एक झूला होता था मिक्की माउस वाला ऊपर चढ़े, अब तो भाई देख लो स्टॉल्स लग रहे हैं, टोयोटा की गाड़ियां खड़ी हैं, तोड़ दो कार्निवल में कुछ क्या जा रहा है पैसा, कल्ट फिटनेस है, वहाँ उधर अपना खाना है, अपने वहाँ खाना खुना खा लेते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं सीधा गोदाम पे, या एक बार ना कैप्टन अमेरिका से मिलाने चलेंगे, मन है मेरा, ठीक है ओके। सो फॉर नाउ भाई, इन्होंने तो कह दिया कि ना हमारा इवेंट ओवर हो गया, अब लेट हो गए, कहा था मैंने इसे कहा था एक जो पीछे कैमरा में कि बीच में सुसु मत कर, ना मत लेट करवा दिया ना, कोई नहीं खाना तो खा के जाएंगे भाई, भूख लग रही बहुत तेज, तेरी कसम सिस्टम फटाफट है पेट का, ही देख लो मेरा पेट ना अक्सर ऐसा होता है, पर अब ये ऐसा है तो इट मीन्स दैट आई एम हंग्री, एंड व्हेन आई एम हंग्री आई एम गोइंग टू ईट, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू ईट आई विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, एंड आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर्स टू Santa Claus come, okay? So for right now, let's just skip to the part of vlog, okay? Cut out. छोले भटूरे बस यही बढ़िया थे, 400 रुपए की, ये तो इतने घटिया है ना, मैगी खा लूँ मैं अभिनव के हाथ की, क्या मतलब अभिनव रेडिएटर लीक हो रहा है इसका, वो तो बंडी लग गई है, भाई आपके बम्प किस सीट पे हुई, मैंने देखी आपके बम्प, यार भाई उसने भाई पूरी गाड़ी वो तो भाई रेडिएटर लीक हो रहा है, हो जाएगा सही, पता गाड़ी कितनी ऊंची भाई, तो आपने पूरी पिछली क्लिप में देखी हुआ क्या, ये गाड़ी ठुकी और हम ना तीनों भाई ऐसे पीछे बैठे थे, ये गाड़ी भाई उस खंबे पे लगी कहीं, वहां से बम्प हुई उछलती हुई हमें दिखी और यहाँ आके भाई ये गाड़ी पेड़ में लगी भाई, अरे बंद कर ले बंदे कम भाई, वैसे एक बात मान गए, अगर यहाँ मारुति की ब्रेजा पुरजा होती ना, ये बंदा नहीं मरता, ये मर चुका होता, पेड़ में लग गए बहुत मुंडी, पेड़ कितनी तेज हिला है, और कुछ क्या हुआ गाड़ी के, मुझे लगा था चोट चोट पेड़ लग गई होगी, जिस भाई जो बैठा गाड़ी में इसके चोट वगैरह लग गई होगी, कुछ भी नहीं हुआ, गेट खोला हिमांशु ने 3 बार खोल के, और तू जब गेट खोल रहा हो जब भी बिल्ड क्वालिटी फील हो रही होगी तेरे को कि हल्की गाड़ी नहीं है, तो इसलिए भाई महिंद्रा होती है, मारुति मारुति होती है, पड़ जाता गेट लग तो पड़ जाता, ये ऊपर हो लेता भाई भगवान भाई, तो बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, जो इस गाड़ी में हम बैठे ये भी भाई बिल्ड क्वालिटी, तो बता हम रोड पे ना चढ़े हम भाई, हम तो एक सेकंड के लिए पीछे हो गए, वरना ये हमें भी लेके जाता भाई, अगर उस गेयर थे यहाँ लगती हमारी गाड़ी,
हमें तो क्रॉस करके जाना है उस तरफ, हमें तो जाना ही था उस साइड। वैभव खतरे में था, वैभव और सोनू तो फिर यहाँ बैठा पर भाई इसमें तो भाई 6-8 एयरबैग होंगे। हाँ इसमें तो सारे खुल जाएंगे, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, वहाँ खुलेगा, पर लोग समझ नहीं पाते ना। फिर मामा तोड़ता हमने फिर कि अच्छे बैग अच्छे पैसे करवाए, वही होता भाई किस्मत का। तू पता नहीं किसलिए रुका हुआ था पीछे, मारी गेल रहोगे तो नहीं सेफ रहोगे, मारी गेल रहोगे तो नहीं सेफ। वो भी वैसे सही खुली, उसकी खुली थी गाड़ी, हिम्मत कर दी भाई ऐसे शाम। तो सोचा इसने पी पा रखी है, हाँ मुझे भी लगे एक बार को, क्योंकि निकला नहीं है, हम जब खोल रहे गेट तब भी मना कर रहा है। इसकी आवाज भी तो ऐसी है कि मत खोलो गेट, मत खोलो, कुछ नहीं हुआ।